सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड में एडमिट कोरोना वायरस मरीजों को आने वाली समस्याओं को लेकर संयुक्त जिला जमीयत उलमा गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल नूह मेवात का दो शीर्ष सदस्यों का मंडल आज डीसी नूह पंकज से मुलाकात करने पहुंचा। इस मुलाकात के दौरान जमीयत उलमा के इस दो सदस्यीय मंडल ने बताया कि कोरोना वायरस घोषित मरीजों को बुनियादी सुविधाएं ना मिलने पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नूह के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन से जमीयत उलमा मेवात के महासचिव साबिर कासमी ने नूह के बड़े मदरसा में पहुँच कर उनसे मुलाकात की और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कैसे किया जाए इस पर चर्चा की। पैगाम कोरोना वायरस जैसी लाइलाज महामारी और बीमारी के हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगे, जिस तरह डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके जाने के बाद गांव में हड़कंप और भय का सा माहौल महसूस किया जा रहा है, क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल भी ना डरें और आगे बढ़ के आकर अपनी जाँच कराएं। हरियाणा सरकार हर तरह से उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से मैं ये संदेश देता हूँ। खासतौर से मैं अगर बात करूँ जो जिला इंतजामिया की तरफ से जो डॉक्टरों का अमल जा रहा है या पुलिस प्रशासन किसी की भी चेकअप करने जा रहा है, उनका ताउन करें, उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आए। वो आप मुजरिम नहीं है, ना आपको मुजरिम बनाना चाहते हैं। वो एक सिर्फ और सिर्फ सेहत के हवाले से उनके ये इकदाम हैं सरकार के कि ये मर्ज जो फैलता है वो एक दूसरे से मुतअद्दी होकर फैल रहा है। इसलिए जितने भी लोग डॉक्टरी अमला डॉक्टरों का चाहे अमला हो, जिला इंतजामिया हो, पुलिस इंतजामिया हो, वो किसी भी गांव में जा रही है, किसी भी यहां जा रही है, तो उन पर ये ध्यान रहे कि वो आपकी सेहत के लिए है। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।